हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। पठान हंटर हंटेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान के 26 दिनों के कलेक्शन के बारे में और इस हफ्ते रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की शहजादा के 3 दिनों के कलेक्शन के बारे में और मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की फिल्म एंट मैन के भी 3 दिनों के इंडियन कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि एंटमैन पठान और शहजादा में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन 3 के बारे में, जिस फिल्म को इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश मतलब कि बहुत सारी भाषाओं में रिलीज किया है। अब दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 2000 स्क्रीन मिली है, पर इस फिल्म की जो टिकट रेट से वो काफी ज्यादा हाई है और मार्वल की ब्रांडिंग होने की वजह से फिल्म के जो कलेक्शन है वो बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एंटमैन ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 9 करोड़ का किया, वही दूसरे दिन शिवरात्रि की छुट्टी का फायदा फिल्म को मिला और फिल्म ने दूसरे दिन 10 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन किया। वही दोस्तों तीसरे दिन फिल्म की जो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी है और जो आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग हो डिटो सेकंड डे जैसी है, यानी कि यहां पर एंटमैन फिल्म तीसरे दिन भी लगभग 10 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों एंटमैन का शुरुआती 3 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 29 करोड़ 29 करोड़ का हो रहा है, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 35 करोड़ रुपए। तो दोस्तों एक तरह से देखे जाए तो एंटमैन ने 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस से काफी अच्छी कमाई कर ली है। लेकिन बात करें इसी के साथ इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म शहजादा के बारे में, जिस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं कार्तिक आर्यन और कृति सेनन। अब दोस्तों शहजादा एक साउथ मूवी की रीमेक है, वो भी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म की रीमेक, जिसके चलते दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस ने बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से लताड़ दिया और इस मूवी के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराश करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों फिल्म रिलीज होने से पहले सभी को लगा था कि भैया जब कार्तिक आर्यन ने पिछले साल भूल भुलैया 2 जैसी एक बड़ी हिट दी थी तो शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा कमाल कर सकती है, लेकिन दोस्तों शहजादा के कलेक्शन देखकर यहां सभी लोग पूरी तरह से हैरान हैं। क्योंकि शहजादा फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 6 करोड़ का किया, वही दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में हल्की सी ग्रोथ आई और सेकंड डे शहजादा का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 7 करोड़ रुपए रहा। अब तीसरे दिन संडे था तो सबको लगा कि तीसरे दिन तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा जंप मारेगी, लेकिन दोस्तों यहां पर तीसरे दिन फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो पहले दिन और दूसरे दिन के बीच की है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक शहजादा फिल्म अपने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों शहजादा फिल्म का शुरुआती 3 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 19 करोड़ 50 लाख रुपए, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 23 करोड़ 50 लाख रुपए और इससे कलेक्शन हो रहा है लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों शहजादा फिल्म का 3 दिनों में जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 28 करोड़ का। जी हां दोस्तों, फिल्म का बजट है 85 करोड़ रुपए, लेकिन 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 28 करोड़ का हो रहा है, जो कि पूरी तरह से डिजास्टर कलेक्शन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म पठान के बारे में। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की एक्शन पैक्ड फिल्म पठान, जिसे बॉक्स ऑफिस पर अब चल रहा है 4th हफ्ता, लेकिन 4th हफ्ते में भी फिल्म को देखने के लिए बड़ी भीड़ सिनेमाघरों में पहुंच रही है, जिसके चलते ही पठान के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अभी भी काफी बढ़िया आते जा रहे हैं। अगर बात करें पठान के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो 250 करोड़ के बजट में बनी पठान, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 भाषाओं में दुनिया भर के अंदर 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया था। दोस्तों पठान फिल्म ने कल तक यानी कि 25 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन 512 करोड़ का कर लिया था। वही दोस्तों आज है संडे, यानी कि 26वें दिन फिल्म को संडे मिला है, जिसके चलते इसके कलेक्शन में एक हल्की सी उछाल फिर से आई है और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके
मुताबिक पठान फिल्म अपने 26वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों पठान का शुरुआती 26 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 516 करोड़ का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 630 करोड़ रुपए। बात की जाए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो दोस्तों अर्ली एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से पठान फिल्म अपने 26वें दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। जी हां दोस्तों, उम्मीद लगाई जा रही है कि 26वें दिन पठान फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। हालांकि ऑफिशियल फिगर आने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन 99% कंफर्म है कि पठान आज यानी कि 26वें दिन 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है।